एवरीवन, गुड इवनिंग। ये अभी शाम के 7 बजे का टाइम है। मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले मट्टी बनाई थी, तो मट्टी बनाने के बाद यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं अभी खाने की भी साथ के साथ तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ना छोले उबालने के लिए आई। मैं कुकर को ही देख रही थी, बल्कि कुकर उतारना है मुझे, छोले बनाने हैं। और जो एक्स्ट्रा बर्तन है मैं उनको साइड में कर दी थी, और स्लप को अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैंने एक बार इनको क्लीन कर देती हूँ सारे, मतलब स्लप को क्लीन कर देती हूँ ढंग से, तो फिर आगे का मैं काम करूँगी। तो मैंने यह स्लप तो साफ़ कर दी, और फिर मैं आगे काम करने चली गई। देख रही थी क्या रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही देख रही थी क्या रखा है क्या नहीं रखा। तो मैं यहाँ से सामान वगैरह सारा हटा के रखती चली जा रही। और यहाँ पे ना ये छोले हैं, तो मैं इन छोलों को धो रही थी। मैंने कहा इनको धो देती हूँ अच्छे से, वॉश कर देती हूँ, और तो मैं इनको छोले उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैं अब छोले उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया, और ये कुकर यहीं पे ही रखा था। मैं ऊपर देख रही थी, ऊपर रख रखा, क्योंकि मैं स्लब के ऊपर उसके रैक के ऊपर रखती हूँ ना, तो मैं उधर ही देख रही थी, उधर नहीं था, तो इधर बर्तनों में ही रखा था। तो मैंने यहाँ पे ये छोले उबालने के लिए आ गई थी, मैंने इसमें धर दिया। तो मैं कुछ और कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। सिंपल ही उबाले थे, लेकिन बाद में मैंने इसमें क्या करा कि थोड़ी सी चाय पत्ती की पोटली बनाकर इसमें डाल दी थी। वो मैंने आपको दिखाई नहीं, बस 1 चम्मच चाय पत्ती ली थी और उसमें वो मैंने वो डाल दी। तो बस मैं वही कर रही थी, वो मैंने उबालने के लिए धर दिए यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे टमाटर काटने के लिए आ गई थी, तो मैं यहाँ टमाटर लेने चली गई थी इधर की साइड में। तो यहाँ पे मैं अभी टमाटर काटूंगी, तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट, मैंने कहा इतने मेरे छोले उबल रहे हैं, इतने मैं इनके टमाटर वगैरह काट के रख देती हूँ, और मिर्ची वगैरह काट के रख देती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते नहीं है हम, तो टमाटर और हरी मिर्च के से ही तड़का लगाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, ये नहीं है कि लहसुन प्याज से ही तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इतने ही उबलते हैं, तो मैं इनको काट के तैयार करके रख देती हूँ। तो बस मैं पूजा करने के बाद किचन में आ गई थी। किचन में ये मेरे ना ट्राइपॉड पे हाथ लग गया था, उसे देख रही थी। तो मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं सब्जी
सब्जी बना लूँ, दिया बत्ती करके पूजा करके मंदिर होके मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था, रिफाइंड ऑयल चढ़ाया था, क्योंकि ना मैंने इसी कढ़ाई में वो बनाई थी, मठिया बनाई थी, तो फिर मैंने इसी कढ़ाई में सब्जी छौंकने के लिए आ गई थी, मैंने कहा इसी में ही कर लेती हूँ, इसमें एक रिफाइंड भी था तो मैंने इसी में थोड़ा सा रिफाइंड छोड़ दिया था, और इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने जीरा ही इसमें डाल दिया, और इसमें मैंने प्याज मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं, तो उसको मैं अच्छे से सेक लूँगी थोड़ी देर में, और इसमें मसाले भी डाल लूँगी, थोड़ा मिला लूँगी जिससे ये अच्छे से गल से जाए हल्के से, और ये फिर साथ साथ मसाले के साथ ही ये गलते चले जाएंगे, तो मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और इसके साथ मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, हाँ, और इसके बाद मैंने धनिया ऐड कर दिया है, और टेस्ट मतलब सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालती जा रही हूँ मैं, जो सामान मुझे चाहिए जितनी मेरी सब्जी है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें डालती जा रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, क्योंकि कस्तूरी मेथी से ना टेस्ट अच्छा आता है, और इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है जिससे कलर अच्छा आ जाए, और इनसे ना सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं रहती, इनसे ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और नमक भी डाल दें जिससे कि मेरे टमाटर जल्दी से गल जाए, और फटाफट से गल जाते हैं टमाटर डालने के बाद ना ये वो सॉरी नमक डालने के बाद ये टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, फटाफट से इनका पेस्ट एकदम पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, और इनको जब तक फेंकती रहूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ दें, और जब तक ये तेल तेल छोड़ देंगे तो इसमें मैं सब्जी डाल दूँगी, तो इसमें देखिए अब मेरी सब इसमें तेल छोड़ दिया है, तो मैं इसमें छोले डाल दूँगी अब अपने, क्योंकि मेरे वो वाले छोले हैं मैंने बताया था चाय पत्ती डाल दी थी, चाय पत्ती की पोटली इसमें डाल दी थी मैंने, आप लोगों को ध्यान नहीं दिखाने के लिए दिखाना, लेकिन मैंने एक चम्मच चाय पत्ती रुमाल भी ली थी और इसमें बांध कर इसमें डाल दिया, उसने कलर छूट गया तो बहुत अच्छा लग, देखो कितना अच्छा कलर आया है, मतलब बाजार जैसे बच जाते हैं एकदम छोले, बहुत पता है मेरे को ना एकदम अचानक ही छोले खाने का मन कर गया तो मैंने छोले बनाए, तो और ये ना मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे क्योंकि ना मेरे छोलों में थोड़ी कसर थी, तो मैंने ये कुकर में 2 सीटी में अच्छे से बन जाएंगे, उसमें 2 सीटियाँ लगा दी, और यहाँ पे मैं आटा लगाने के लिए आ गई थी, तो आटा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना आटा लगा लूँगी, तैयार हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए, कढ़ाई में छोंके थे कुकर में कैसे आ गए, तो क्या मैं छोले छोंकने गई थी, तड़का मैंने कढ़ाई में लगाया था, और जैसे ही मैं छोले बनाने गई थी तो देखा कि छोले में कसर है, तो मैंने कहा दोबारा सीटी क्या लगाऊंगी, इसमें पहले कढ़ाई में तड़का लगा के इसी में डाल देती हूँ, और दोबारा कुकर को उसी पर रख देती हूँ, 2 सीटी और लगाई थी तो मैंने, तो मेरे छोले बन के तैयार हो गए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, तो देखिए यम्मी यम्मी छोले अच्छे लग रहे हैं ना, तो मेरे को एकदम ना अचानक से दोपहर में मन कर गया कि छोले की सब्जी खाने का, तो मैंने छोले की सब्जी और पराठे खाने का मन कर गया, तो मैंने छोले बनाए, और इधर मैंने पराठे भी सेक लिए थे, ये मेरे पराठे हैं, ये मैंने पराठे भी सेक लिए थे देखिए है ना, ये गर्म गर्म पराठे भी सेक लिए, अभी ये आएंगे तो खाना खाएंगे, तो चलिए आगे का काम करते हैं। सब्जी वगैरह बनाने के बाद यहाँ मैं बर्तन साफ करने के लिए आ गई थी, ये भी आ गए थे लंच बॉक्स वगैरह ले आए थे, तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग गई थी, मैंने कहा पहले खाना बनाने से पहले मैं यहाँ पे मैं बर्तन धो देती हूँ, जो एक्स्ट्रा सारे बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, आप लोग सोच रहे हैं गंदे मांजे, गंदे नहीं मांजी मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी वीडियो की, तो गंदे नहीं मांजी, साफ साफ ही मांजी, अच्छे से ही बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन जब तक मेरे अच्छे से वॉश नहीं होते जब तक अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं सारे बर्तन अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे ना, तो मैंने सारे बर्तन एक्स्ट्रा सारे बर्तन मांज दिए थे, और मैं यहाँ पे बस बर्तनों को ही कर रही हूँ। छोले की सब्जी मैंने क्यों बनाई पता है, मेरे को कोई सब्जी भी नहीं थी, और अचानक से मेरे को छोले की सब्जी खाने का मन कर गया था, इस तरह से सब मतलब बाजार की जैसी सब्जी खाने का मन गया था, तो मैंने यहाँ पे बनाया, और कोई भी मेरे चैनल पर है मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब